अक्सर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में लेटर ऑफ क्रेडिट यानी LC के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने रेड क्लॉज LC और ग्रीन क्लॉज LC के बारे में सुना है? दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं अंकुश धवन, आपका अपना एग्जिम कोच, और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए बात करते हैं पहले रेड क्लॉज LC के बारे में। रेड क्लॉज LC में आपके बायर का जो बैंक है यानी इशूइंग बैंक जो है वो आपको फाइनेंस देता है 25% तक का, जो कि आपको FOB वैल्यू पे मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके और आपके बायर के बीच में मान लेते हैं $10,000 की डील हुई है, जिसे इंडियन रुपये में अगर हम कैलकुलेट करें तो तकरीबन 8 लाख रुपए आज के हिसाब से वो बनती है। तो जो बायर का बैंक है जिसके थ्रू रेड क्लॉज LC आपकी हुई है, वो बैंक आपको 25% तक का FOB वैल्यू का अमाउंट इमीजिएटली रिलीज कर देगा शिपमेंट होने के टाइम पर। यानी $10,000 में से $2,500 आपके खाते में क्रेडिट हो जाएंगे तुरंत ही, और बाकी का जो $7,500 है वो जब आप माल को पैक करके किसी भी इंडियन पोर्ट से शिप पर लोड करा दोगे तब आपको मिल जाएगा। यानी इधर इंडिया में ही आपका माल शिप में चढ़ा और माल चढ़ते ही आपका CHA बिल ऑफ लेडिंग आपको दे देगा, और आपको क्या करना है, वो बिल ऑफ लेडिंग को लेकर आप अपने बैंक में जमा करा दोगे और आपका बैंक आपके बायर के बैंक को डॉक्यूमेंट्स भेज देगा। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स बायर का बैंक रिसीव करेगा, आपकी 7,500 की बची हुई पेमेंट आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। तो है ना कमाल की बात। लेकिन रेड क्लॉज LC में डील करने के लिए कुछ कंडीशंस का होना ज़रूरी है। नंबर 1, आपके और बायर के बीच एक अच्छी रिलेशन होनी बहुत ज़रूरी है और ट्रस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। और नंबर 2, रेड कलर से इस लेटर ऑफ क्रेडिट में क्लॉजेस प्रिंट होते हैं या टाइप होते हैं, इसलिए इसे रेड क्लॉज LC कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं ग्रीन क्लॉज LC के बारे में। ग्रीन क्लॉज LC में आपके बायर का जो बैंक है यानी इशूइंग बैंक, वो आपको फाइनेंस देता है 75% तक का, जो कि आपको FOB वैल्यू पे मिलता है। जैसे कि आपने पिछले रेड क्लॉज LC में समझा था, उसमें आपको 25% तक का फाइनेंस मिलता है, लेकिन ग्रीन क्लॉज LC में आपको 75% तक का फाइनेंस मिलता है। ग्रीन क्लॉज LC जो है, इसे रेड क्लॉज LC का एक्सटेंशन भी माना जाता है, और इस LC में भी बिल्कुल रेड क्लॉज LC की तरह काम किया जाता है। लेकिन ग्रीन क्लॉज LC में भी आपको काम करने से पहले कुछ बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे नंबर 1, इसमें भी रेड क्लॉज LC की तरह आपके और बायर के बीच रिलेशन अच्छा होना चाहिए और ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, ग्रीन क्लॉज LC सिर्फ बड़े बल्क ऑर्डर्स के लिए ही इस्तेमाल में लाई जाती है। और नंबर 3, ग्रीन कलर से इस लेटर ऑफ क्रेडिट में क्लॉजेस यानी टर्म्स एंड कंडीशंस को प्रिंट किया जाता है या टाइप किया जाता है, इसलिए इसे ग्रीन क्लॉज LC कहा जाता है। दोस्तों, ऐसे ही टॉपिक्स को आप हमारे प्री रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स में घर बैठे आसानी से सीख सकते हो और खुद का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस लाइव घर से भी सीखना चाहते हैं? तो आज ही ज्वाइन करें हमारा रिकॉर्डेड ऑनलाइन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कोर्स, जिसमें आपको 100% लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा और कोर्स के वीडियोस पर पूरे 1 साल का एक्सेस भी मिलेगा। यानी जब आपको टाइम मिले तब आप इस कोर्स को देख सकते हो और सीख सकते हो, बिल्कुल किसी नेटफ्लिक्स या कोई और OTT प्लेटफॉर्म की वेब सीरीज की तरह। पर याद रखना दोस्तों, कोर्स तो आपके काम आ जाएगा लेकिन वेब सीरीज काम नहीं आएगी। तो आज ही रजिस्टर करें। लर्न, स्टार्ट, इंस्पायर। थैंक यू।